हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम रोहन, डायरेक्टर ऑफ आइस गेट, और आज मैं आपके साथ में दो स्टूडेंट्स लेके आया हूँ। इनका कल गेट का रिजल्ट आया है एंड दे हैव डन वेरी गुड रैंक्स इन गेट एग्जामिनेशन। तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, उनसे खुद से सुनते हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, क्या किया इतना अच्छा रैंक लाने के लिए, और शायद आपको वो प्रेरित कर पाए। तो एक एक करके दोनों से मैं चाहूंगा सबसे पहले एक छोटा सा वन लाइनर इंट्रोडक्शन दे दें, वो क्या है, क्या करते हैं, कौन सी ब्रांच से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, ताकि आपको प्रेरणा मिल जाए कि वो भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान है। यस, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिंदा देसरकर एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 39 इन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एंड आई एम करेंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ माय इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। So, hello everyone, my name is Nihar Gupte and I am currently pursuing BE from LD College of Engineering and I have secured all India rank of 139 in EC में 139 लाना भी मजाक नहीं है, ठीक है। I can understand that because मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, so मुझे पता है कि it is quite difficult to get that rank also because the number of takers is quite high. So, congratulations both of you. इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में या अपने करियर में किस तरीके से गेट के बारे में सोचा। आपने कब गेट के बारे में सोचा, व्हेन डिड यू थॉट ऑफ कि मेरे को गेट करना है, एंड व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, किस तरीके से आपने अपने गेट की प्रिपरेशन। सेकेंड ईयर में सर आपसे सुना था, आप हमारे कॉलेज में आए थे सेमिनार के लिए, तो उसी से गेट के बारे में सुना था और मैंने प्रिपरेशन चालू की थर्ड ईयर से। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही थी कि जो जो सब्जेक्ट क्लास में खत्म होते हैं पहले उसके नोट्स बना लूं और फिर प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस लगा लूं, फिर उसने में हो जाता था। फिर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये थी मेरी कि अक्टूबर नवंबर तक मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दूं और फिर टेस्ट सीरीज लगाऊं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो पूरे इंडिया में, तो और उससे टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है। तो मैंने वैसे ही क्या नवंबर तक एक बार खत्म कर लिया, फिर दिसंबर में पूरा एक बार फिर से रिविजन कर लिया और जनवरी में सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाई मैंने। गुड, सो आई थिंक हिज स्ट्रेटजी वॉज वेरी क्लियर। इनको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने इन्हें मोटिवेट किया कि आप गेट की प्रिपरेशन कीजिए और आज शायद उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। बट डेफिनेटली देखो, मैं अपना क्रेडिट नहीं लूंगा, ना ही मैं आइस गेट को क्रेडिट दूंगा, मैं क्रेडिट हमेशा बच्चे को दूंगा, बिकॉज यस, एक मार्गदर्शन जरूर मिलता है, एक गाइडेंस जरूर मिलती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज बच्चे का मेहनत। सो 100% क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट ने कितना निचोड़ा फैकल्टी से, कितना नोट्स बनाया, जैसे उन्होंने कहा मैंने टेस्ट सीरीज पे फोकस किया, अक्टूबर तक अपना सिलेबस कम्प्लीट कर लिया, और इस साल डेफिनेटली इट वॉज अ चैलेंज बिकॉज ऑफ कोरोना, राइट। सो बहुत चैलेंज था बच्चों के लिए भी, इवन हमारे लिए भी, टू डिलीवर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आदत पड़ चुकी होती है बच्चों को कि एक फिजिकल क्लासरूम में बोर्ड और टेबल पे बैठने की, और उसके बावजूद स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दिस इज रियली अप्रिशिएबल। आपसे भी सुनते हैं निहार, कैसा रहा आपका प्रिपरेशन और कब आपने सोचा कि आप गेट करेंगे। तो सर, आप हमारी कॉलेज में आए थे तब हमको तभी पता चला था कि गेट नाम की कोई चीज होती है, तो तब हमने मतलब फिर रिसर्च किया के गेट में हमको क्या मिल सकता है, मास्टर्स है, पीएसयू है। फिर वहां से मैंने फिर थर्ड ईयर से आईसीई ज्वाइन किया और वहां से फिर जैसे जैसे कोचिंग में गाइडेंस मिलता गया कि कौन सी स्ट्रेटेजीज तुमको फॉलो करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पहले तुमको फिल्टर आउट करने हैं, वो सब मैं वो हिसाब से सॉर्ट आउट करता गया। एंड आई वॉज एक्चुअली ऑन अ टाइम क्रंच, मेरा लास्ट मोमेंट, मेरा सेकेंड रिविजन मोस्टली सब लोगों का दिसंबर नवंबर से स्टार्ट होता है, मेरा लास्ट रिविजन जनवरी में स्टार्ट हुआ था, सो आई वॉज फेसिंग अ रियल इशू। And at that time, I was also short of one subject, but I was focusing more on quality than quantity. Because अगर आप attempt 20 question कर रहे हैं, उसमें से आपके 19 सही हो रहे हैं, so उसमें आपके negative भी बच रहे हैं और साथ में आप approach भी बढ़िया कर पा रहे हो, मतलब दूसरे किसी में आप time waste नहीं कर रहे हो। और उसके अलावा जो preparation strategies थी, so मतलब हर लोगों का अलग अलग होता है कि सुबह जल्दी उठो, नहीं मेरा वैसा नहीं था, मैं मतलब सुबह का सूरज मैं देखा ही नहीं, मैं 12 बजे उठता था और मैं रात को खींच लेता था। तो वही सब के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज रही, पहले बेसिक सब्जेक्ट्स कवर किए, फिर जो हार्ड सब्जेक्ट्स है ईएमटी हो गए, एनालॉग हो गया, वो सब पे मूव ऑन किया, और आखिर में टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल कोर्स टेस्ट हो या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज माय ग्रेट ग्रेट। सो देखिए, जो मैं बता रहा था इन्होंने साबित भी किया कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, सुनो सबको, करो तुम्हारे हिसाब से, दैट शुड बी योर फंडा ऑफ लाइफ, राइट। उनकी ऐसा नहीं कि यार निहार ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा या उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, जरूरी नहीं है। आप उनकी सुन सकते हो, उनसे एडवाइस ले सकते हो, उनसे सजेशन ले सकते हो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी से, उनकी कैपेबिलिटी से अलग है, तो आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। लेकिन यूनिवर्सली अगर आप देखोगे तो सब लोगों का कहना है कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट के 2 महीना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द टेस्ट। सेकंड थिंग विद निहार पॉइंटेड आउट वेरी करेक्टली इज
क्वालिटी सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 2+2, 5+7, 8+9 करे जा रहा हूँ, लेकिन एक ही तो कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो प्लस करना ही सीख रहा हूँ। सो क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फंडामेंटल कैसे डेवलप करते हो, आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए एक और सवाल और पूछ लेते हैं कि गेट के बारे में तो उन्होंने बताया, आज आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, सो हाउ डू यू फील, कैसा महसूस हो रहा है आज, ठीक है, यहाँ पर पहुंच के क्या कभी सोचा था, राइट, कि इस लेवल पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ कैमरा के सामने, क्या कभी प्रिपरेशन करते वक्त कभी ऐसी फील आई थी, और अगर क्या फीलिंग है आपकी, वो थोड़ा सा आप सबको बताना चाहो। एक्चुअली बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है टॉप 50 में आने पे। वैसे भी मैंने एक्चुअली सोचा ही नहीं था कि ये टॉप 500 में भी मैं आ पाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी के टाइम पे मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी गेट से, पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार पूरे जी जान से ट्राई कर देते, जो होगा देखा जाएगा आगे, तो इसलिए बहुत अच्छा ही लग रहा है टॉप 50 में आ गया, एक्साइटेड फील हो रहा है, घर वाले सब प्राउड है सब। सर मैं भी सोचा नहीं था कि मेरा टॉप मतलब 150 या 200 में आएगा, क्योंकि जब मेरा पेपर गया सो आई वाज डिसअपॉइंटेड कि सिली मिस्टेक्स बहुत हुई थी, और मेरे को ऐसा था कि मार्क्स नेगेटिव में बहुत कटेंगे, बट दैट क्वालिटी अप्रोच रियली वर्क्ड वेल फॉर मी, और उसकी वजह से फिर जब रैंक में देखा कि 139 आ रहा है, सो मतलब मेरे को पता नहीं था कैसे रिएक्ट करूं, एकदम आई वाज सरप्राइज्ड एंड एज वेल एज आई वाज वेरी ग्लैड व्हेन द रिजल्ट केम। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यू नो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, और इनफैक्ट ये सबकी लाइफ में आता है, जितने भी बच्चों से मैं 11 साल से बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैंने बहुत बच्चों को बहुत टॉपर्स के कहते हुए सुना है कि सर कई बार ऐसी फीलिंग आई कि गेट नहीं करना, और आपके दिल में भी आएगी जब आप गेट की प्रिपरेशन करोगे ना, बहुत बार ऐसा आएगा यार स्कोर नहीं आता, कॉलेज के साथ मैनेज कैसे करूँ, ये कॉलेज इतना अत्याचारी है, एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ये है वो है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगी, बट जैसा इन दोनों ने कहा या इनफैक्ट सभी टॉपर्स को आप देखोगे, कंसिस्टेंटली वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को वापस रिवैम करना बहुत जरूरी है, और अटेम्प्ट देना फुल हार्टेडली बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार ऐसी फीलिंग कि मैं गेट छोड़ देता हूँ, फिर रैंक 39 तक आप पहुंच सकते हो, तो दैट इज रियली रियली अप्रिशिएबल, राइट। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि कभी भी नेगेटिव फीलिंग आती है, ठीक है दो दिन आने दो, लेकिन उसके बाद रिवैम कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा पोटेंशियल रखते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट सवाल इन दोनों से ले लेते हैं, व्हाट इज देयर फ्यूचर प्लान, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी, उन्होंने बता दिया उन्होंने गेट क्यों किया, और एक लास्ट सवाल उनसे ले लेते हैं, आगे के फ्यूचर के उनके प्लान क्या है। तो वन बाय वन प्लीज कैन यू टेल अस व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आगे का प्लान पीएससी में जॉब लेने का ही है, ऐसे ही मेरी अभी प्लेसमेंट हो चुकी है प्राइवेट कंपनीज में, पर अभी आगे पीएससी का ट्राई करना है, इतना अच्छा रैंक आया तो यूटिलाइज करना चाहिए रैंक का। एक सवाल और मैं इसके साथ ऐड करूंगा, ये तो बताना ही बताना, आपसे भी पूछूंगा मैं कि ये जो इन्होंने प्लेसमेंट वाली बात कही है, तो क्या गेट की प्रिपरेशन आपको प्लेसमेंट में भी कहीं ना कहीं मदद की, समवेयर डाउन द लाइन आपका प्लेसमेंट में भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट गेट की प्रिपरेशन से मदद किया? यस सर, तो जो आपने अभी कहा तो वो 110% करेक्ट है, क्योंकि आप जो गेट में सब्जेक्ट जो कर रहे हो, मैं हमारा एग्जाम्पल लू, हम ईसी फील्ड में, सो हमारे कोर सब्जेक्ट्स अगर डिजिटल हो गए, ईडीसी हो गए, सो वो सब अगर आप किसी वीएलएसआई के प्लेसमेंट कंपनी में बैठ रहे हो, तो आपको एक छोटा सा एज मिलता है कॉमन पब्लिक के हिसाब से, यू गेट दैट लिटिल पुश विच कैन हेल्प यू टू गेट सिक्योर अ वेरी गुड जॉब इन कोर कंपनीज, सो वो हेल्प किया हमको। और रही बात आपने दूसरा क्वेश्चन किया मेरे फ्यूचर प्लान की, सो वो तो मेरा तो फिक्स था कि मुझे मास्टर्स करना ही था, एंड आई एम लुकिंग फॉर VLSI or micro electronics in one of the top old IITs. So that's my plan, and I hope I can pursue that. Great. So we wish that you will definitely get one of the top IITs, and you will get a very good career after this. So I hope the message is very clear to all of you. आप लोगों तक जो हम बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंच ही रहा है, और इन लोगों से आप प्रेरणा ले सकते हो। और अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि ये भी आप ही की तरह एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये भी एक आप ही की तरह एक आम इंसान है, तो जब ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं आप भी उसके बारे में सोच सकते हो, और आप भी उतनी एस्पिरेशन रख सकते हो, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु विल बी अपीयरिंग इन फ्यूचर, एंड कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू।